हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे जीनोटाइप और फीनोटाइप के डिफरेंस के बारे में, यानी जीनोटाइप वर्सेस फीनोटाइप। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग। जीनोटाइप जो है वो एक ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और फीनोटाइप इट इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट्स। जो भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट्स हमें दिखते हैं वो इस ऑर्गेनिज्म का फीनोटाइप होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द विजिबिलिटी। जीनोटाइप जो है हमें दिखता नहीं है, बिकॉज इट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट विजिबल। बट फीनोटाइप इज विजिबल बिकॉज इट इज द फिजिकल ट्रीट वेयर दे आर प्रेजेंट। जीनोटाइप जो है इट इज प्रेजेंट इन साइड द बॉडी एज अ जेनेटिक मेटीरियल inside the nucleus in the form of DNA, right? Phenotype is present as an external appearance which we can see. Next come the inheritance. Inheritance ka matlab hota hai transfer of information or genes from parent generation to the offspring generation. Genotype jo hai, it can be inherited from the offspring. बट जो फिनोटाइप है इट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट इज द चेंज विद द पीरियड। जीनोटाइप जो है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम एक इंडिविजुअल का सेम रहता है। जीनोटाइप हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द लाइफ टाइम। बट जो फिनोटाइप है इट मे चेंज विद एज, एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट लाइक हॉर्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंड्स। जीनोटाइप जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है जीन सीक्वेंसेस के ऊपर, बिकॉज इट इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इनसाइड द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड डीएनए कंटेन द जीन सीक्वेंसेस। सो बेसिकली जैसा जीन सीक्वेंस होगा एक ऑर्गेनिजम्स का, वैसा ही उसका जीनोटाइप होगा। जो फिनोटाइप है इट डिपेंड्स ऑन जीनोटाइप ऑल्सो प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आस पास के जो ऐसे भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उस पर भी डिपेंड करता है फिनोटाइप। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन। जीनोटाइप को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द डीएनए बाय जीनोटाइपिंग मेथड्स, एंड फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द आउटवर्ड कैरेक्टर्स। सिंपल। एंड नाउ सी रिलेशनशिप। जीनोटाइप, इफ द ऑर्गेनिजम्स हैव सेम जीनोटाइप वो हमेशा सेम फिनोटाइप ही प्रोड्यूस करेंगे। बट इफ इंडिविजुअल्स आर लुकिंग सिमिलर फिनोटिपिकली दे मे और मे नॉट हैव द सेम जीनोटाइप। गॉट इट? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल। इन केस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स मेंडल गेव tall plant and it he uses double capital T and capital T for the tall plant and capital T and small t, these are the genotype of the tall plant, and for dwarf plant he uses small t. An example of phenotype is height, hair color and eye color. This is all about my topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in the comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.